जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ जो चेंबू तिलक नगर है उसका किचन एक्सप्लेन किया, तो आज ही उनके मास्टर बेडरूम में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मास्टर बेडरूम में इसका लेआउट तो आपको अभी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इसका लेआउट कैसे है। एंट्री करने के बाद ये वाली जो दीवार है ये टोटल 6.5 फुट की ये स्पेस है, तो यहाँ पे वार्डरूम हम लोग ने किया है, उसके साथ ही उसका ओवरहेड स्टोरेज। और यहाँ पे आपको जो बेड दिख रहा है ये फोल्डिंग बेड है, और ये वाला कस्टमाइज हम लोग ने उसका हेडबोर्ड यहाँ पे डिजाइन किया है। पहले ऐसे डिजाइन था कि साइड टेबल आपको दिख रहा है ये वाला जो दोनों तरफ जो है साइड टेबल काफी छोटे साइड टेबल है, मीन्स हार्डली 14 इंचेस। तो पहले जो लेआउट था उसमें इसके साइड टेबल नहीं थे, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ये वार्डरोब काफी छोटा है, तो आपको जो उस तरफ जो वार्डरोब दिख रहा है वो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसके वजह से ये जो साइड टेबल बड़े थे वो छोटे हो गए। अभी आपके साथ मैं और एक शेयर करने चाहिए कि हर एक हमेशा ऐसे होता है कि हर एक साइड पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो आज मैं आपको ये वाले वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग ने एक ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और उसको हम लोग ने कैसे फेस किया है आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ ये था कि आपको ये जो वार्डरोब दिख रहा है ये वार्डरोब में हम लोग ने ये वाले आपको इसको डिजाइन दिख रहा है, इसका डिजाइन है वो ग्रे है और इसके अंदर ये ग्रेन से व्हाइट ग्रे कलर की है, बहुत ही न्यूट्रल है, सेल्फ डिजाइन है ये वाले इसके अंदर। और इसके साथ हम लोग ने उसी सेल्फ में ये वाले हैंडल सिलेक्ट किए थे, ये अराउंड 16 इंचेस के ये हैंडल है। और जब हमारे कारपेंटर ने पहले ये वाला हैंडल लगाया तो ये वाला हैंडल दोनों आमने सामने लगाए थे, आपको भले यहाँ पे दिख रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ये दोनों भी हैंडल नीचे थे, थोड़े नीचे थे, क्योंकि उसके लिए हम लोग का जो स्टैंडर्ड हाइट लॉक का उसको मेंटेन करने के बाद वो हैंडल नीचे आए थे। तो जब भी ये वाला क्लाइंट ने आने के बाद देखा तो उनको डेफिनेटली ये हैंडल नीचे लगे और उन्होंने बोला ऐसे नहीं चाहिए। तो सवाल ये था कि इतने बड़े हैंडल और करना क्या था, तो उसमें सोल्यूशन हम लोग ने कैसे निकाला, आपको यहाँ पे इसका जो लॉक दिख रहा है इसका होल जो पहले वाला था वो एग्जिस्टिंग वही है, तो हम लोग ने इसको यहाँ पे जो दो होल थे उसको जितना ऊपर जो होल छुपाना था यहाँ पे हम लोग ने ये वाले हैंडल को ऊपर लेके गए, तो उसकी वजह से हुआ क्या ये वाले ये और ये लॉक जो होल थे वो छुप गए। अभी इसको हम लोग ने नीचे किया तो उसके वजह से इसके सामने वाला जो होल था उसको हम लोग को छुपाना था, तो उसके हम लोग ने जब भी काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए, जैसे कि पहले था कि अगर क्लाइंट को पसंद नहीं है तो हम लोग सोच रहे थे कि इसका लैमिनेट चेंज करें, मीन्स ये जो होल गिरा है उसके वजह से। फिर दूसरा था उसके वजह से कुछ मेटल की स्ट्रिप्स आते हैं वो डाले, बटन्स आते हैं वो डाले, लेकिन क्लाइंट को दोनों भी चीजें पसंद नहीं थी, या फिर ऐसे बोल सकते कि उनको यही चाहिए था कि सेल्फ में कुछ आ, क्योंकि आपको ये जो डिजाइन दिख रहे वार्डरोब की यहाँ पे कहाँ पे भी हम लोग ने इलाबरेट नहीं किया, सेल्फ में ये वाले डिजाइन उनकी चॉइस थी। तो आपको ये दिख रहा है ये वाली जो स्ट्रिप्स है ये वाली स्ट्रिप्स हम लोग ने यहाँ पे और उसकी अपोजिट डायगोनल साइड यानी दोनों तरफ हम लोग ने यहाँ पे इसमें कटआउट लेके जो ये टी पट्टी बोलते हैं सिल्वर की टी पट्टी उसके उसके अंदर डाल दी यहाँ पे और सेम ही इस तरफ भी। तो अभी आप लंबे से देखेंगे तो ये वाला एक डिजाइन बन गया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स तो हर एक साइड पे आते हैं और इम्पोर्टेंट है कि वो वाले प्रॉब्लम फेस करके उसका सोल्यूशन देना। और ये वाला जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है ये वाला सोल्यूशन जब भी हम लोग ने हमारे क्लाइंट को दिया तभी उनको पूछा इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड वी आर रेडी टू चेंज दिस लैमिनेट। सो उन्होंने ये फाइनल उनको पसंद आया, उसके बाद हम लोग ने इसको रिटेन किया। तो आपको भी ये डिजाइन कैसे लगे ये वाला मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। तो ऐसे ही हम लोग ने ये वाली पूरी बेडरूम डिजाइन की, बेड वार्डरोब और वहां पे आपको जो दिख रहा है कॉर्नर में एक छोटा वाला ड्रेसिंग, और साथ ही यहाँ पे आपको जो फॉल सीलिंग दिख रहा है आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये वाला फॉल सीलिंग जो आपको दिख रहा है हम लोग ने इसको सिर्फ ये जो चारों तरफ के जो कॉर्नर्स है कॉर्नर के सिर्फ पेलमेट बनाए हैं कम से कम 12 इंचेस के, और ऊपर वाला सीलिंग ऐसे ही रखे रिटेन रखे हम लोग ने वो वाले जो लाइट इनडायरेक्ट लाइट्स उसमें यूज की है। तो फ्रेंड्स हर एक साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें से सॉल्यूशन निकाल के
आपकी साइट या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका डेकोर है उसको डिस्टर्ब किए बिना आप वो डिजाइन कैसे अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये वाली बेडरूम के लिए हम लोग ने ये छोटा ट्राई किया है, तो आपको ये वाले वीडियो में हम लोग ने आज जो चीज यहाँ पे बेडरूम के लिए बनाई, अगर ये आपको अच्छी लगी या फिर आपके जो भी व्यूज है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो जो वार्डरोब है उसके हम लोग ने हैंडल लिया था। यहाँ पे जब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो क्लाइंट की और एक रिक्वायरमेंट है कि उनको कहाँ पे भी हैंडल नहीं चाहिए। आप देखेंगे पूरे घर में तो जैसे आप भी, मैं बाकी का भी बेडरूम आपको दिखा दूंगी, कहाँ पे भी हैंडल नहीं चाहिए थे। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग ने यहाँ पे बड़े हैंडल लिए, ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर हैंडल नहीं है। हैंडल नहीं है इसका मतलब हैंडल है लेकिन हम लोग ने उसको पुश बटन के ऊपर डाला। अभी ये रही वार्डरोब, ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब को बिना हैंडल के मुश्किल था। आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, जब ये बंद होगा तभी यहाँ पे ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्रिएट हुआ, ये स्पेस हैंडल का काम कर रहा है। यानी ये वार्डरोब बड़ा होने की वजह से हमें हैंडल नहीं लेना था तो ये वाला ऑप्शन उनको देना पड़ा। अभी ये वाला जो साइड टेबल है उसको नीचे से ओपनिंग करने के लिए रखा है, जैसे कि बताया कि हैंडल नहीं है, तो वैसे भी जहाँ पे वार्डरोब में कैसे हम लोग ने किया था वही सेम ऐसे ही यहाँ पे भी किया है। ये वाला मिरर और यहाँ पे स्पेस रखा है ताकि वो हैंडल हम लोग ओपन कर सके। ये वाला जो ड्रॉवर है इसके नीचे अंदर से स्पेस दिया है ताकि आप अंदर हाथ डाल के ये वाला ड्रॉवर ओपन कर सकते, ड्रेसिंग का ड्रॉवर ऐसे ही नीचे भी किया हुआ, तो यहाँ पे भी कहाँ पे हैंडल नहीं लगा हुआ। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।